सत्या जी डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो। महंगाई सब पासे बढ़ चुकी है पर महंगाई नूं मूंह चढ़ाउंदियां तस्वीरां विरोधी दल भाजपा नूं घेरदे हुए दिखा रहे ने। अज्ज तस्वीरां तुहानूं दिखा देना, एक नहीं अनेकां तस्वीरां दिखदियां हुई नजर आउणगियां। आ देखो तुसीं मोटरसाइकिल टंग रखिया कूड़े दे ढेर ते, आखिर ये टंगिया क्यों? टंगिया इसलिए क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा बहुत हो गया, तो कहिंदे इहनूं कूड़े दे ढेर च पा दो, हुण कम दा तां किसे दा रहा नहीं हैगा। एक कांग्रेसियां दा प्रोटेस्ट है चंडीगढ़ के, कांग्रेसियां ने भाजपा नूं घेरन दे वास्ते जिहड़ा ये तस्वीरां बनाईआं। उदों अगली तस्वीर देखो कि हमारे दो बेटे पेट्रोल और डीजल अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। भाजपा का फुल है जिहड़ा पुठा कर मारिया है ते काटा भाजपा के नाँ ते मारता पेट्रोल डीजल नूं। आपदे दो जवाक कहा है कि जिवें जवाक कंट्रोल तो बाहर हो जांदे ने, उही तस्वीर दिखाउण दी कोशिश करी आ। दूजे पासे देखो पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर, पेट्रोल मशीन है जिहड़ी उहदी तस्वीर दिखाई है ते रेट किन्ना वध चुक्या, इह तस्वीर दिखाउण दी कोशिश कीती आ। ते किन्नी जे कहीए कि अलग अलग फिर तस्वीर अगे नूं दिखाउंदियां ने। हुण तुसीं लाओ अगे आ गया सिलेंडर है तो कल है मोदी मेड, लेकिन आज मुझे मोदी जी इस मुकाम पर ने महंगा किया है और गरीब लोग मोदी मेड में कोसली कॉलोनीज में। फिर अगे आगे भी जो ब्याह शादियां दे जो गिफ्ट देने जाने किसी नु तो पेट्रोल डीजल है जिहड़ा वो गिफ्ट दोगे। तुम देखो तस्वीरां दे विच शर्मनाक जे कहिए कि लिहाजे दे नाल जिहड़ा सरकार नु मुंह चढ़ाउंदियां है तस्वीरां ने कांग्रेसियां ने चुटाइयां ने। 50-70 रुपए पेट्रोल का रेट था। पानी पाके नहाने के लिए पानी पानी दी बोतलां खैर महंगी करियां क्योंकि प्रेशर दिखाया भाई फुहारे नाल इन्ने के नाल नहा लिया करो। ये इस वास्ते है क्योंकि बाकी जगह तां नहीं खैर, पर चंडीगढ़ दे विच पानी दे रेट वधे ने, उहनूं लैके चंडीगढ़ दे कांग्रेसियां ने भाजपा का विरोध करते हुए बनाया। तो यह धरना सैक्टर 19 च चल रहा है, कांग्रेस के वलों है जिहड़ा प्रोटेस्ट कई दिन तो लगातार चल रहा है। यह धरना नहीं खैर प्रोटेस्ट आपदी आपदी भाषा के कांग्रेसी कर रहे हैं, जिदे उन्होंने कहना है कि पानी के रेट म्यूनिसिपल कौंसल म्यूनिसिपल कारपोरेशन चंडीगढ़ ने जिहड़े कि वधाए ने उन्हें लेके लगातार विरोध कर रहे हैं। तो जिन्हें भी तुम देखो सिंबोलिक प्रोटेस्ट एक अलग अलग चीज़ों का है जिहड़ा हुण देखने को मिल रहा है। कह जा सकता है कि महंगाई जिस कदर बढ़ गई है तो विरोधियों को भी मौका मिल जाता है कि सरकार को आखिरकार असी जिहड़ा कि किवें जिहड़ा कि असी कितें ना कितें मूँह जिहड़ा चलाउंदे ने नहाउण वास्ते पानी, तुसीं देखो बोतल च पा के फुहारे च जिहड़ा बनाया होया है। पिछे कांग्रेस की लीडरशिप बैठी आ, बीबियां बैठियां नेगियां नाल कांग्रेस वर्कर ने जिहड़ियां, तो कह जा सकता है कि अपने आप के तस्वीर कितने कितने दिखती है। नारेबाजी बारी बारी करते हैं, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी पानी के रेट पानी के रेट कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी पानी के रेट पानी के रेट। ते इन्हां नाल हुण गल भी कर लांगे कि आखिरकार किस तरह दे नाल जिहड़ा कि इह प्रोटेस्ट अज दा रख्या इन्हां ने उहदे विच आखिर की डिमांड करदे ने। वैसे तां इह डिमांड हरेक आम बंदे दी वी है खैर कि आखिरकार चीज़ां सस्तियां होणियां चाहीदियां, पर जिवें जिवें सियासत भी चली आ तां तस्वीरां बेहद कह सकते हैं मूँह चढ़ाउंदियां सरकार नूं केंद्र नूं कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तां मोटरसाइकिल कूड़े दे ढेर ते टंगता। दूजे पासे भाजपा का जिहड़ा है फुल पुट्ठा करता, हमारे दो बेटे पेट्रोल और डीजल लिखे देखो जिस तरह के तस्वीर असं देख रहे हैं। हुण इन्हां दे नाल गल भी कर लैंदे आ कि आखिर की तस्वीरों के जिहड़ा मैसेज है वो देने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिहड़ा प्रोटेस्ट है जिहड़ा अलग अलग तौर पर कांग्रेसी लगातार कर रहे हैं, पर इन्हां दे विच जे गल की जाए किस तरह दियां होणगियां नेगियां। मैडम देखा जाए प्रोटेस्ट कर रहे हैं डिग पे की आखिर मैसेज है जो देने की कोशिश कर रहे हो? अलग अलग चीज़ा थोड़े रखिया ने गिफ्ट पैक तो लैके पानी की बोतलों तो लैके सिलेंडर तो लैके जो कही पेट्रोल। मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी की असंवेदनशील और अनैतिक सरकार ने किसानों के साथ तो धक्का किया ही है, उनके साथ तो ये काम ऐसा कर रहे हैं कि उनको सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। पिछले 100 दिन से किसान सड़कों पर बैठे हैं, वो सिर्फ अपने खेतों के लिए या अपने लिए नहीं बैठे, वो इस पूरे देश के लिए बैठे हैं। लेकिन आए दिन पहले तो पेट्रोल और डीजल 100 रुपए तक पहुंचा दिया और अब गैस सिलेंडर के रेट जो
आम आदमी खाना खाता था उससे भी उसको वंचित कर दिया। आए दिन उन्होंने हर बंदे पे उन्होंने जुल्म किया। अब देखे देखी वो घर की गृहणियों के ऊपर भी बरस पड़े हैं कि वो भी जो खाना बनाती थी गैस चूल्हे पर वो भी ना बना पाए। एक आइटम दस दो तुसी, ये जिवें गिफ्ट पैक रख ले, सिलेंडर रख ले, नाल उधर कूड़ेदान दे नाल मोटरसाइकिल आ। देखिए जी, ये पहले तो पेट्रोल की बात करें अगर तो इसका ये है कि अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि शादी ब्याह में अगर हम कहीं जाते थे तो मिठाई का डिब्बा देते थे कि मिठाई कोई किसी भी शुभ कार्य का प्रतीक होता है, लेकिन अब पेट्रोल के डिब्बे इसलिए बनाए हैं कि उस शादी में आने के लिए उनकी गाड़ी में पेट्रोल का होना तो बहुत जरूरी है। तो क्या पता कोई रिश्तेदार पेट्रोल के कारण शादी अटेंड ना कर पाए। हाँ, अटेंड ना कर पाए तो हम पेट्रोल दे देते हैं, कम से कम वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल तो भर ले आने के लिए। देखो कि सिलेंडर ने जो मुंडिया भी चके हुए हैं, जिस तरह के नाल जो कही कि अलग अलग गिफ्ट पैक उन्होंने बनाते हैं। जोशी जी कही कि पानी भी तुसी रख लिया, ये चंडीगढ़ का प्रतीक है कि आखिर उरे महंगा हो गया पानी। हाँ जी, पानी इतना महंगा हो गया, अगे अगे बोतलों जी पानी नहाने लिए मिलेगा, बोतलों जी पानी पीने लिए मिलेगा, और पेट्रोल भी एडी छोटी शीशिया च मिलेगा। जो पानी के रेट घट करने वास्ते लगातार लगे हुए हैं सर, उनके कहने की बातें कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये सारी दुनिया जानती है कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। सरकार ने जिस तरह के नाल जे कहिए कि तुसी मुंह चढ़ाउंदियां तस्वीरां ने, शर्म आऊगी सरकार? सर बड़ी बेशर्म सरकार है, जब तक इहनूं शर्म नहीं आती तद तक कांग्रेस पार्टी ऐदां ही सड़कां ते उतरी रहेगी, और असी कदी भी जेल जाण तों लाठी खाण तों नहीं घबराए। इन्होंने सानू धमकियां भी दित्तियां, आने वाले दिनों च असीं इदां ही प्रदर्शन जारी रखांगे और शहर के लोगों नू फौरी राहत दवा के रहांगे। आखिरकार मोढ़ियां ते जिहड़ा उन्होंने रखिया ते कह सकदे आ कि तस्वीरां मूंह चढ़ाउंदियां हैगियां नेगियां, कि आखिर किस तरह नाल जिहड़ा कि महंगे पेट्रोल डीजल की गल होवे या फिर गिफ्ट पैक जिवें तैयार कीते ने, उह कहिंदे कि हत्थां दे विच तुसीं मोढ़ियां ते देखो चक्के ने कि मुंडिया ने, कि इह तस्वीरां हालांकि इह संबोलिक प्रोटेस्ट हुंदे ने कि जदों सरकार नू इह दिखाउण दी कोशिश कीती जांदी आ कि सरकार शर्म करे, पर दूजे पासे हालात यह होंगे ने कि आखिर सरकारां शायद इस तरह दीआं गल्लां ने जिहड़ियां ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿਆਸਤ ਆਪਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਰਮੇਲ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਊ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਂਸਲ ਐਮਪੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਮਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਪਊ। ਖੈਰ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣ ਗਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਬ ਕੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ ਨਾ ਬਦਲਣਗੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਲਸਟ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।